फाइव बॉलीवुड हस्तियां जिन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी को हंसते हुए अटेंड किया। कुछ जोड़े सोचते हैं कि उन्हें अपने एक्स के साथ सभी रिश्तों को काट देना चाहिए, ये मानते हुए कि सभी रिश्ते जीवन भर चलने के लिए नहीं बने हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप प्यार में नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोस्ती नहीं रख सकते हो। ब्रेकअप प्यार में पड़ने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि सभी ब्रेकअप खराब नहीं होते, क्योंकि कुछ जोड़े अपने रिश्तों को शांति से खत्म करना जानते हैं। वो समझते हैं कि सभी जोड़ियां जीवन भर चलने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ये वो जो रियलिटी में मानते हैं कि एक्स लवर दोस्त बने रह सकते हैं। पेश है पांच बीटाउन सेलिब्रिटी जो अपने सही और गलत की फीलिंग के खिलाफ गए और अपनी एक्स वेडिंग में शामिल हुए। शाहिद कपूर। याद कीजिए जब शाहिद प्रियंका चोपड़ा के घर का दरवाजा खोलते हुए कैमरे में कैद हुए थे, जब कुछ अधिकारी जांच के लिए दस्तक दे रहे थे। हालांकि दोनों ने इसे कभी ऑफिशियल नहीं किया। यह अनुमान लगाया गया कि उन्होंने कमीने को फिल्माने के बाद डेटिंग शुरू कर दी थी, पर ब्रेकअप के बाद में मुंबई में शाहिद प्रियंका के रिसेप्शन में शामिल हुए। फोर्थ रणवीर कपूर। सोनम और रणवीर को लेकर यह बताया गया कि संजय लीला बंसाली के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हुए डेट किया और बाद में जब दोनों ने सावरिया के साथ अपनी शुरुआत की तो कई प्रशंसकों ने यह मान लिया कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। पर जब ब्रेकअप के बाद सोनम और दीपिका को मौका मिला तो दोनों ने कॉफी विद करण में उनका अपमान किया और सोनम के वेडिंग रिसेप्शन में रणवीर और आलिया भट्ट ने शानदार एंट्री की। थर्ड नेहा धूपिया। जब नेहा और यूवी दोनों सोफी चौधरी के बर्थडे पार्टी में एक साथ शामिल हुए तो पूर्व ब्यूटी क्वीन के बारे में कहा गया कि युवराज सिंह को वो डेट कर रही हैं। ऐसी अफवाहें उड़ रही थी, पर यूवी ने बाद में हेजल से शादी कर ली और नेहा को अपनी शादी में गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया और नेहा ने उस शादी को अटेंड भी किया। सेकेंड डिनो मोरिया। विपाशा और डिनो तब अलग हुए जब विपाशा जॉन अब्राहम को डेट करने लगी। सभी जानते थे कि डिनो और विपाशा बॉलीवुड के सबसे अट्रैक्टिव जोड़े में से एक थे। डिनो ने विपाशा की शादी में एक असल दोस्त के रूप में भाग लिया, जब सालों बाद विपाशा ने अपने लवर करण सिंह ग्रोवर से शादी की। अनुष्का शर्मा। अनुष्का और रणवीर ने बैंड बाजा बारात और दिल धड़कने दो सहित कई फिल्मों में साथ काम किया है और उनकी केमिस्ट्री हमेशा इलेक्ट्रिक रही है। कहा जाता है कि दोनों काफी समय से डेटिंग कर रहे थे और उनका ब्रेकअप म्यूचुअली बताया गया था। अनुष्का ने मुंबई में रणवीर सिंह के वेडिंग रिसेप्शन को अटेंड किया और एक्टर ने अनुष्का के आने पर उनको थैंक्स भी बोला। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।